व भक्त जनों की सेवा में श्री बाबा मस्तनाथ के चमत्कारों का छठा भाग पेश कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, वैसे तो बाबा नित्य प्रति नए नए चमत्कारों का प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन उनके कुछ चमत्कार इतने विलक्षण, विशेष और महत्वपूर्ण हैं, जिनका वर्णन किए बिना श्री बाबा मस्तनाथ की कथा का वाचन या उनकी महिमा का गुणगान बिल्कुल अधूरा है। इन महत्वपूर्ण चमत्कारों की कड़ी में एक प्रसंग और आपको सुना रहा हूं कि एक रूपनाथ नाम का व्यक्ति था। घर में पत्नी और कई बच्चे थे, लेकिन अचानक उसको उसी प्रकार से वैराग्य हो गया जैसे किसी जमाने में राजकुमार सिद्धार्थ को एक मृत आदमी का शव देखकर हो गया था। और वह राजपाट, धन दौलत, सभी ऐशो आराम त्याग कर अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को छोड़कर घर से निकल पड़े थे और वर्षों तप करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया और महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक उसी प्रकार से रूपनाथ का संसार से मोह समाप्त हो गया। श्री बाबा मस्तनाथ के कई शिष्यों के पास में रूपनाथ जाया करता था और उनको भी अपने घर आमंत्रित किया करता था। तो आज श्री बाबा मस्तनाथ के कई शिष्य रूपनाथ के घर निमंत्रण पर आए हुए हैं, खाना वगैरह खा करके, और फिर मन में दृढ़ संकल्प किया और कहने लगा कि भाइयों, आज मैं इस घर को छोड़कर के तुम्हारे संग ही चलूंगा। और ये बात फिर अपनी पत्नी से भी बता दी तो उसकी पत्नी कुछ उदास हो गई और रूपनाथ से क्या अर्ज करने लगी। इतनी देर में आस पास पड़ोस की कुछ उसकी सखियां भी चली आई और घर में क्या माहौल पैदा होता है रागिनी के द्वारा पेश है। जाल जंजाल तोड़ के हर पे सुरती लाई, जोगी बन के ताल परा क्यों छोड़ के रे बाही। जगत जाल जंजाल तोड़ के हर पे सुरती लाई, जोगी बन के ताल परा तू करने अपनी ब्याही का क्यों दामन छोड़ दिया। सारा मन हर का गुण न गाया, मोहमता में फंसा रहा मन हर का गुण न गाया। जाता को ना मन समझाया, जाता को ना मन समझाया, मैं कैसे करूं समाई। काम क्रोध मद लोभ छोड़ सब तृष्णा दूर हटाई, जोगी बन के चाल परा क्यों छोड़ के ने ब्याही। जगत जाल जंजाल तोड़ के हर दे सुरती लाई,
साज का सपना भजन में योगी रमता हो। इस दुनिया में समझ के सपना भजन में योगी रमता। एक दान छोड़े चला गण बन के चल सब हो जा दूर तबाही। योगी बन के चल पड़ा तू छोड़ के ने ब्याही। जगत जाल जंजाल तोड़ के हर से सुखी लाई। मत मेरा ध्यान हटाइए। हरि चरणों में ध्यान लगा मत मेरा ध्यान हटाइए। किया मेरा मन समझाइए तू ही इसका मन समझाइए। मेरी सेना सब जुदाई बोले कर्म का मिटता कोना दुनियों ने बदलाई। जगत जाल जंजाल तोड़ के हर के सुखी लाई। जोगी बन के चाल पड़ा साथ मत छोड़ाई। कसम ले लो खुशी ही था देखे इनके दम ले लो साथ मत छोड़ाई। कसम ले लो खुशी ही था देखे इनके दम ले लो। नाथ लिया गुरु बना राम पाल बोहर मठ जावे। मस्त नाथ लिया गुरु बना राम पाल बोहर मठ जावे। मस्तनाथ बाबा ने सबकी नैया पार लगाई। योगी बन के चाल पड़ा तू छोड़ के न जाही। जगत जाल जंजाल तोड़ के हर पे सुखी लाई। योगी बन के चाल पड़ा तू। इस प्रकार से रूपनाथ अन्य बाबा के शिष्यों के साथ भगवा वेश बना करके घर से चला आया। और आकर के श्री बाबा मस्तनाथ से अर्ज की कि बाबा मैं तो आपका ही शिष्य बनूंगा। बाबा ने रूपनाथ को बहुत अधिक समझाया लेकिन रूपनाथ की समझ में एक भी बात नहीं आई। अब तो इधर रूपनाथ
बाबा के साथ में घूमता फिरता रहा और उधर उसकी पत्नी उसके वियोग को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। बच्चों का पालन पोषण करने में उसको कठिनाई महसूस हो रही थी। अतः एक दिन अपनी कुछ सखियों को लेकर के श्री बाबा मस्तनाथ के मठ स्थल गोहर पर आ गई और बाबा से क्या विनती करने लगी। उसकी सखियां भी बाबा से विनती करने लगी तो बाबा क्या जवाब देते हैं, पेश है। घनी उदास क्यों से घनी उदास बताया रूठ गया कि दिल नहीं बताया। गिरती पड़ती आई मैं बाबा धारे पास धीरज धार लिए धीरज धार लिए मैं कर दूं पूरण आस कर दूं पूरण आस।
मेला आके बन गया थारा चेला। अपने जी ने मत कर मेला, अपने जी ने मत कर मेला। भला तेरा ओ जग भला तेरा, तू कर मन में विश्वास, कर मन में विश्वास। डर काट दिए अपने मन का डर। झाड़ झाड़ तेरी जो कलम ना हो पास, उठा मती राले, उठा मती राले, धारी मिटे भूख और प्यास, मिटे भूख और प्यास। पाने दे तो माने भी तू अपनी शरण दे। जा बाल का कर पालन दे, जा बाल का कर पालन दे। बेटा
भेटा खास। इस प्रकार से रूपनाथ की पत्नी ने अपनी दुख भरी कहानी बाबा जी को सुनाई तो बाबा ने उसकी विनती ध्यान से सुनी और शिष्य पत्नी से कहा कि तुम सामने रखा हुआ यह मतीरा उठा लो और अपने घर ले जाओ, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो प्रेमियों, योगी रूपनाथ की पत्नी मतीरा को उठा करके घर ले गई और जब वह मतीरा फोड़ कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि इस मतीरे में बीजों के स्थान पर मणि माणिक व हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। इसी प्रकार से एक अन्य घटना का जिक्र पेश है। स्वाधीनता से पूर्व राजस्थान राज्य को राजपूताना कहते थे। राजपूत राजाओं की छोटी बड़ी रियासतें थी। इस समय जोधपुर राज्य में राजा भीम सिंह राज करता था। जोधपुर के पास एक जालोर नाम की छोटी रियासत थी जहां राजा मानसिंह राज करता था। राजा मानसिंह श्री बाबा मस्तनाथ का परम भक्त था। इधर राजा भीम सिंह अपने उत्तराधिकारियों को चुन चुन कर मार रहा था, अतः उसने राजा मानसिंह के खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर दिया, क्योंकि वह भी भीम सिंह का उत्तराधिकारी बनता था। राजा मानसिंह के पास न तो पर्याप्त सैनिक थे और ना रसद ही थी, अतः उसे अपना जीवन राजा भीम सिंह के हाथों समाप्त ही दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में वह मन ही मन श्री बाबा मस्तनाथ को अपनी विनती सुनाता है। महल में एक मंदिर था, उस मंदिर में राजा मानसिंह जाता है, उसकी पत्नी भी जाती है और महल की दूसरी रानियां भी जाती हैं, दूसरे पुरुष भी जाते हैं। तो राजा मानसिंह चार्ज करता है सामूहिक रूप से देश इस रानी में। गुरु देव पड़ी भीड़ मेरे पैर, शीश चढ़ी कर डाई, नजर मेहर की फेर दिया करियो दूर तवाई। गुरुदेव पड़ी भीड़ मेरे पैर, शीश चढ़ी कर डाई, कैसे बीच भंवर में नाव फंसी, अब दूर किनारा दिखे। मरने में
अनंत सरदर पैदरा दुधारा दी कैसे सपने में भी भीम सिंहा कहा तारा दी कैसे इस संकट में तेरे बिना इस संकट में तेरे बिना बापा कर कौन सहाई नदर महल की फेर दियो पड़गी घनी दवाई गुरुदेव पड़ी भीड़ मेरे पैर कर रखी तारी नूने कुआं नूने खाई जान मरण के मारी कोई रास्ता तो न सुझे बात पहाड़ ते भारी इब तम बनो ही माती मेरे इब तम बनो ही माती मेरे अमन तेर लगाई महल की फेर दिए पड़गी घनी दवाई गुरुदेव पड़ी भीड़ मेरे करूं दिन रात अपने सच्चे दिल ते ध्यान जी पीड़ पड़ी मैं सुन ले बाबा कह रहा सी झुका कहती दसी कार में बैठी बाबा दर्द बाहर उठा कहती पूजा भेंट चढ़ाऊंगा मैं अस्तल बोहर बिनाना कोई सहारा तेरे बिनाना कोई सहारा देता नहीं दिखाई नगर महल की फेर दियोला पड़गी घनी तवाई गुरुदेव पड़ी भीड़ मेरे पैर भगत सुदामा गज और ब्राह्मण लड़े जल अंदर हाथ प्रभु ने थामा रामपाल पे भी कृपा कर दो रामपाल पे भी कृपा कर दो तेरी जोत जलाई से नगर महल की फेर दियो राम पड़गी घनी तवाई गुरुदेव बड़ी भीड़ मेरे पैर सीज चढ़ी पर डाई नगर महल की
बाबा मस्तनाथ ने अपने भक्तों की टेर सुनी। इस समय बाबा अचरावल नामक ग्राम में अपने शिष्यों के साथ अपने धुने पर विराजमान थे। उन्होंने अचानक अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों जरा ध्यान से सुनो, एक गाय कीचड़ में धंस रही है, अगर आप कहें तो उस गाय का कीचड़ से उद्धार किया जाए। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुवर हम इस पहेली को बिल्कुल नहीं समझ पाए, और अगर ऐसी ही बात है तो उस गाय का उद्धार जरूर होना चाहिए, लेकिन कृपा करके हमें पूर्ण वृतांत अवश्य बता दीजिए। तो बाबा ने अपने शिष्यों को सारा वृतांत बताया कि जोधपुर का राजा भीम सिंह जालोर के राजा मानसिंह पर आक्रमण करना चाहता है। मानसिंह बड़ा दुखी है, वह मेरा भक्त भी है, और फिर ये कहकर कि जब तक मैं आऊं तुम यहीं ठहरो, और फिर अंतर ध्यान हो गए और सीधे राजा मानसिंह के महल में आ गए। उस समय रात्रि के 12 बजे थे। राजा मानसिंह अपने हथियारों से लैस लेकिन बिस्तर पर चिंता में पड़े थे। अचानक एक आवाज आई, राजा मानसिंह घबराओ मत, 3 दिन के बाद तुम्हें ही जोधपुर का राज सिंहासन मिलेगा। राजा मानसिंह बिस्तर से उठे, महल में इधर उधर देखा और सोचा कि शायद वैसे ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा होगा, और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, तो राजा मानसिंह फिर महल में घूमकर देखने लगे और जोर जोर से कहने लगे, जिस किसी देव किन्नर गंधर्व अथवा किसी सिद्ध की यह वाणी है, वह कृपया दर्शन देने की कृपा करे, जिससे मेरा संशय मिटे और मुझे शांति मिले, मैं उनके शुभ दर्शन का कृतार्थ हो जाऊं। तो दोस्तों, राजा का निवेदन मानकर बाबा प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो राजा मानसिंह क्या कहता है और बाबा क्या बताते हैं। बल्ला हरदम तेरे साथ में, गुरुदेव संकट भारी ज्यादा साथ रहेगा तुम्हें, मान सिंह हरदम तेरे साथ में, गुरुदेव संकट भारी जाटा सा चढ़े गात में, हो जागा कल्याण तेरा तू मत मन में घबरावे, भीम सिंह की फौज किले पे तड़के चढ़के आवे, बाद 3 दिन तू ही जोधपुर का राजा बन जावे, लड़ल भिड़ल की सामग्री बाबा जी कितने खावे, बल हिम्मत के हैं हरी हिमाती साधन कर साथ में, थोड़ी रसद पड़े बाबा सा पड़ जाए रात में, मेरा आशीर्वाद मान सिंह हरदम तेरे साथ में, गुरुदेव संकट भारी जा सा चढ़े गात में, Yeah.
भला तेरे किले में, तेरे किले में भोजन का भंडार बारिश है। पीवन के पानी की बाबा किल्लत न्यारिस है। मीठे जल का कुआ किले में केला चारिस है। आज मेरी से छोड़ी जान मरण मयारिस है। किसे चीज की कमी रहना ठाले तेग हाथ में, चारों ओर घेर राख्या और मेरी प्रेखात में। भला मेरा आशीर्वाद मान सिंह हर दम तेरे साथ में। गुरुदेव संकट भारी जाता सा चढ़े गात में। शेर सूरमा और सिपाही ना लड़ने ते डरा करें। हम छतरी रजपूत गुरुजी आन बान पे मरिया करें। जो औरों का भला करे तो ईश्वर उसका भला करे। माँ का दूध लगावे कोन्या जान हथेली धरा करे। घड़ी आप तड़ जागी हो, दिख खोटी घड़ी आप तड़ जागी तेरी एक शात में। दया करो ते कूद पड़ू से राती खड़ी पात में। मेरा आशीर्वाद मान सिंह हर दम तेरे साथ में। संकट भारी जाता सा पड़े गात में। कलम महाभारत में, महाभारत में श्री कृष्ण तने देवता ज्ञान सुना होगा। अर्जुन का भी कृष्ण के चरणों में ध्यान सुना होगा। गज और गह लड़े जल में तने वो प्रमाण सुना होगा। बचा लिया प्रहलाद खंब ते ये सरेआम सुना होगा। बलराम पाल फली स्वर दे करिए ना कम कुबात में। करम पाल नहीं गाए जा गुणियों की पंचायत में। मेरा आशीर्वाद मान सिंह हर दम तेरे साथ में। गुरुदेव संकट भारी जाता सा चढ़े गात में। इस प्रकार राजा मानसिंह को आशीर्वाद देकर श्री बाबा मस्तनाथ वहां से चले आए। अगले दिन क्या होता है कि राजा भीम सिंह का एक दरबारी वह दूत राजा मानसिंह के पास पहुंचे और संदेश देते हैं कि राजा भीम सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है और दरबारियों ने सर्वसम्मति से आपको सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लिया है। आप हमारे चलकर राजगद्दी संभालिए। इस प्रकार बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद राजा मानसिंह को फलीभूत हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से बाबा मस्तनाथ के चमत्कारों में एक वृतांत यह भी आता है कि बाबा के एक शिष्य थे जिनका नाम घड़ीनाथ था। उनका नाम घड़ीनाथ इसलिए पड़ा था कि वह योगी एक समय में एक घड़ी भोजन खाया करते थे। एक बार श्री घड़ीनाथ बाबा की आज्ञा लेकर बद्रीनाथ व केदारनाथ आदि तीर्थों की यात्रा करने गए और जब वे चारों धामों की यात्रा करके वापस गुरुदेव के पास में आए तो बाबा ने उनसे कुशल मंगल व यात्रा का वृतांत पूछा। तो श्री घड़ीनाथ अपनी यात्रा का वृतांत बताते हैं और अपने भोजन संबंधी
विशेष कष्ट को बताते हुए गुरुदेव से क्या कहते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं ये इस रागिनी में सुनिए। मैं अर्ज करूं बाबा, तेरे पहाड़ के माले बिहान रहूं भूखा, मेरा बरता को ना पेट, धड़ी नाथ का मेरे नाथ तुमके बुझो बेहाल, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मलाल। मैं अर्ज करूं बाबा तेरे पारा के माले, देहान रहूं भूखा बरता को ना पे, धड़ी नाथ का मेरे नाथ का तू जो कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मला, अर्ज करूं बाबा तेरे पाया के माले। तमाम हो तमाम हर की पौड़ी, दया रटता गोरख नाम, हर की पौड़ी दया रटता गोरख नाम, मैं घूमया 68 धाम गुरु नुते भारत देश विशाल, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मला, अर्ज करूं बाबा तेरे पाया के माले। गए चले चारों खूंट हो खूंट खा खा ठोकर, गई चरण खड़ाऊं टूट खा खा ठोकर, गई चरण खड़ाऊं टूट, छाले पड़ पड़ गए फूट मारी कती बदल गई चाल, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मला, अर्ज करूं बाबा तेरे पाया के माले। ना कष्टों ते घबराया मैं घबराया, भूखा रहता मेरा पेट भरण ना पाया, भूखा रहता मेरा पेट भरण ना पाया, हाँ पेट भराई ना खाया कम पड़ गया दाल, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मला, अर्ज करूं बाबा तेरे पाया के माले। करो मेरा कुछ कल्याण कल्याण, ना भूख लगे बाबा दो ये वरदान, ना भूख लगे बाबा दो ये वरदान, करम पाल ने ज्ञान दिए और मधुर कंठ सुरताल, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मला, अर्ज करूं बाबा तेरे पाया के माले,
आदि हार रहूं सुभू का पड़ता खोना पे। गरी नाथ का मेरे नाथ तुम के बुझोगे हार, कष्ट उठाता फिरता मेरे मन में घना मलाल। मैं अरज करूं बाबा तेरे पाया के माले। इस प्रकार से धड़ी नाथ ने बाबा से विनती की कि बाबा मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मुझे भूख ही ना लगे, क्योंकि इतना ज्यादा भोजन मैं कहां से मांग करके लाऊं, मेरा पेट नहीं भरता। तो भक्तों, बाबा ने धड़ी नाथ के सिर पर हाथ रख करके उसको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें कभी भूख नहीं सताएगी। इस प्रकार से धड़ी नाथ को भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई। और ये कुछ स्त्रियां बाबा के धाम पर पहुंचकर और कुछ भजन कीर्तन गाकर के बाबा की महिमा का गुणगान कर रही हैं, किस तरह से। जिस पे मेरे करे से बाबा दुख चिंता
राम मैं रणपत धाता मेरे तो चले अरे रहे हरक राम मैं रणपत धाता मेरे चले अरे रहे बाला छत्री कुल में पैदा हो गए योगी पूर जन्म के से गुरु गोरख के चले थे ये सुन लो बोल धर्म के से परम भक्त आज्ञाकारी साधक थे सुबह नरम के से दोनों ने लेवन आया ना मिटते लेख कर्म के से दोनों ने लेवन आया ना मिटते लेख कर्म के से एक दिन बातें छोड़ गिरस्ती इस फंदे में नहीं पहे खड़गाम में रणपत धाता मेरे चेले अड़े रहे हाथ जोड़ न्यू कहने लगे बाबा हम रणपत दाता जी हमने चेला करो गुरु चरणों में टेक्या माता जी धन्य भाग जो आप पधारे तीन काल के जाता जी आदि काल से मारा थारा गुरु शिष्य का नाता जी आदि काल से मारा थारा गुरु शिष्य का नाता जी योग साधना ज्ञान मिले ते योग साधना ज्ञान मिले ते भव सागर से पार तिरे हरक गाँव में रणपत दाता मेरे चेले अड़े रहे और फिर रणपत दाता के माता पिता आते हैं बाबा मस्तनाथ से अर्ज करते हैं कि बाबा ये हमारे बहुत प्रिय पुत्र हैं हम इनके बिना नहीं रह सकते क्या कहते हैं अगर जान भी मांगो तो हम बाबा नहीं नाट सकते और थारे एक इशारे पे हम अपना शीश काट सकते आज बुरी हो बेटे की हम कोना झाल डाट सकते बुरी माम का बेटे की हम न्यारे नहीं बाट सकते बुरी माम का बेटे की हम न्यारे नहीं बाट सकते किसने नौ मास पेट में रखा कैसे पुत्र वियोग सहे हरक गाँव में रणपत धाता मेरे चेले अड़े रहे और फिर बाबा मस्तनाथ रणपत धाता के पिता को समझाते हैं किस तरह से मोह का जाल बपाल बताया ऋषि मुनि भरमाए अपना बेटे कारण दशरथ ने भी अपने प्राण खवाए अपना मात पिता भी श्रवण ने कांवड़ में बठा घुमाए अपना पुत्र मोह में फिर दोनों ने अपने प्राण गवाए अपना पुत्र मोह में फिर दोनों ने अपने प्राण गवाए अपना हरे राम करो क्षमा नाथ जी हो हरे राम करो क्षमा नाथ संतों का सरल स्वभाव कहे हरक गाँव में रणपत दाता मेरे चेले अड़े रहे चरण पड़े जो संतों के उस बस्ती के धन भाग कहे हरक गाँव में रणपत दाता मेरे चेले अड़े इस प्रकार से बाबा मस्तनाथ अपने दोनों शिष्यों रणपत और धाता को अपने साथ लेकर के उस गांव से विदा लेते हैं प्रेमियों श्री बाबा मस्तनाथ के चमत्कारों का छठा भाग अब यहीं समाप्त होता है इससे आगे बाबा के चमत्कार आप मेरे द्वारा गाई गई कैसे तुम्हें सुनेंगे धन्यवाद रणपत दाता मेरे चेले अड़े रहे।